बिल्स. टुडे वी विल लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ लीव्स. यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की लीव्स पाई जाती हैं. तो सबसे मेन दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कंपाउंड लीव्स. सिंपल नाम से सजेस्ट हो रहा है कि वो बहुत ही सिंपल लीव्स होती होंगी, मतलब सिंगल और अनडिवाइडेड होती हैं, कोई भी डिविजन नहीं होता. छोटे छोटे लीफलेट्स के फॉर्म में वो सिंपल अरेंज होती हैं, जैसे इस डाइग्राम में आप देख सकते हैं. वो हमेशा एक ट्विग से अटैच होती हैं, मतलब एक स्टॉक होता है जिसको हमने हमारी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि इसको पेटियोल कहते हैं. ये एक सिंपल स्टेम से अटैच्ड है जो कि क्या काम करता है, पेटियोल का काम ही है कि वो किसी लीफ को स्टेम से अटैच करें. फिर सिंपल लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लीव्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मार्जिन्स पाए जाते हैं, जिसके बेसिस पे हम उनको अलग अलग नाम देते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये एक सिंपल लीफ है, दिस ये जो पेटियोल का एरिया है ये एक सिंपल लीफ को स्टॉक से अटैच कर रहा है. इसका काम है इसको यहाँ से अटैच करना. और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मार्जिन एक एंटायर फॉर्म है, सिंपल फॉर्म है, इसलिए इसको सिंपल लीफ कहा गया है. अब बात कर लेते हैं कंपाउंड लीफ की. कंपाउंड लीफ में आता है कि एक मेन जो लीफ है वो डिफरेंट डिफरेंट मल्टीपल लीफलेट्स में, मतलब बहुत सारी छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड होता है. उसकी बेसिस पे कंपाउंड लीव्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक का नाम है पिनेटली कंपाउंड, एक है पामेटली कंपाउंड. पिनेटली कंपाउंड लीव्स जो होती हैं वो लीव्स डिवाइड होती हैं स्मॉलर लीफलेट्स में, जो कि एक सिंपल राकिस, इसको राकिस का एरिया बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड राकिस. एक मेन राकिस के थ्रू, सेंट्रल स्टॉक कहलाता है ये, इसके थ्रू जो है छोटी छोटी लीफलेट्स आइदर साइड पे, दोनों साइड पे राकिस के, सेंट्रल स्टॉक के दोनों साइड पे छोटी छोटी लीफलेट्स में डिवाइड होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं नीम में, यहाँ पे आप देखिए नीम है. नीम प्लांट में क्या होता है कि ये जो लीफलेट्स हैं ये एक सेंट्रल, ये सेंट्रल स्टॉक है ये वाला, इसको राकिस बोलते हैं. इससे छोटी छोटी लीफलेट्स हैं जो कि ऑड नंबर में है, ये पूरी जो है पिनेटली कंपाउंड इसको बोलते हैं. इसी तरह एक और इसका एग्जांपल है, जैसे रोज में, रोज में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेन सेंट्रल स्टॉक से इस सेंट्रल स्टॉक के आइदर साइड पे, दोनों साइड पे छोटी छोटी लीफलेट्स जो है अरेंज्ड हैं. फिर उसके बाद बात करते हैं पामेटली कंपाउंड. पामेटली कंपाउंड में क्या होता है कि एक जो लीफलेट्स है वो आउटर साइड को रेडिएट करती है फ्रॉम द पेटियोल, एक पेटियोल से होते हुए. मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाती हूँ. जैसे ये पपाया का लीफ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मल पेटियोल है. ये क्या कर रहा है, लीफ को यहाँ पे पेटियोल के एंड होते होते यहाँ पे लीफलेट्स जो है अरेंज है. इट्स लीफलेट रेडिएटिंग आउटवर्ड्स फ्रॉम द एंड ऑफ द पेटियोल जस्ट लाइक फिंगर ऑफ द पाम ऑफ हैंड. जैसे कि सपोज एक हैंड की बात करें, ये पाम एरिया है हथेली, और हथेली से जैसे फिंगर्स जो है रेडिएट करती हैं आउटर साइड को, सेम उसी तरह ये जो पामेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं वो एक सिंगल पेटियोल से आउटर साइड को रेडिएट करती हैं. उसके बाद फर्दर यहाँ पे आके इस पेटियोल का एंड हो जाता है. फर्दर यहाँ पे आगे कोई लीफ नहीं जाती, ना ही कोई लीफलेट जाती है, इसलिए इनको पामेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं आसानी से, ये पपाया का एक लीफ है जो कि पामेटली कंपाउंड है. ऐसे ही पामेटली कंपाउंड कुकुम्बर में भी पाया जाता है. और ये हुआ टाइप्स ऑफ लीफ.